रंग तो अनेक हैं, उन्हीं रंगों को देखते देखते उन्हीं रंगों में खोए खोए इंसान विस्मृत कर देता है अपने निज स्वरूप को, अपने को ही भूल जाता है और भटकाव पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रांतियां उठाती है। उन्हीं रंगों के कारण ये रंग इतने प्यारे हैं इस संसार के और इतने भिन्न हैं, ये रंग इतने विस्तृत और विराट हैं और इतने गहरे हैं कि हर एक इंसान उनसे लुभाया जाता है। बड़े लुभावने हैं, आकर्षक हैं, अपनी तरफ तुम्हें खींचते हैं और खींचना स्वाभाविक है और उन्हीं में खोया रहता है सारा जीवन, उन्हीं रंगों में इंसान लिपटे हुए गुजार देता है। और तुम भजन गाते हो कि इस दुनिया के रंग मैं क्या देखूं, एक तेरा दीदार काफी है। ये भावना केवल भजन तक सीमित है। अगर ये सच्चाई तुम्हारे रगों में उतर आए, तुम्हारे रोम रोम में बस जाए कि सच में सब रंगों के ऊपर एक बड़ा रंग है जिसमें कोई रंग नहीं है, इन सब रंगों के ऊपर जहां से ये सब रंग निकल के आते हैं संसार के, वो जो अवस्था है जिस अवस्था में परम शून्यता है, वो जो तत्व है, वो जो विराटतम अवस्था में कण कण को अपने में लिए हुए है, जो व्याप्त है जगत के एक एक रोए में, हर प्राणी में, हर पदार्थ में, पाताल से लेकर के आकाश की अंतिम ऊंचाइयों तक, हर अवस्था में, हर स्थान पर जिसमें घेरा हुआ है जीवन को, और जहां से ये सारे रंग निकले हैं जिनको तुम दो आंखों से देखते हो, दो कानों से सुनते हो, अनुभव करते हो अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, ये सब जो जहां से निकल के आया है उसका दीदार हो जाए तो किसी रंग में कोई रुचि नहीं रहती, तो सब रंग फीके पड़ जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से सभी तारागण लुप्त हो जाते हैं, ऐसे जैसे कभी आकाश में थे ही नहीं, वैसे ही वो मिल जाए, वो प्रकाश मिल जाए, वो सूर्य का प्रकाश मिल जाए, तो सारे जीवन के अंधेरे लुप्त हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, सब अंधकार मिट जाते हैं, सब रंगों की छाएं चली जाती हैं, कोई रंग नहीं बचता, वो एक परम अवस्था है। लेकिन इंसान खोया है, अपने आप से अनभिज्ञ है, अपना ही पता नहीं है। रोज लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं जो सोचता हूं वो होता नहीं है। तुम एक प्लानिंग करते हो और जो कुछ भी घटित होता है जीवन में तुम्हारे साथ, वो उस प्लानिंग के विपरीत होता है, उल्टा होता है। सोचते कुछ हो, प्लान कुछ करते हो, प्रोग्राम कुछ बनाते हो, वो कुछ और हो जाता है, सामने कुछ और आ जाता है और फिर तुम बिलखते हो
और फिर तुम तड़पते हो, फिर इंसान जूझता है और अपने आप से ही जूझता है कि माजरा क्या है, जो मैं करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं, कुछ और ही हो जाता है। ये जीवन मेरे हाथ में नहीं है, एक वार्ता चल रही है, बहुत संपन्न व्यक्ति है पास में बैठा हुआ, संसार में सुविख्यात है, दुनिया जानती है उसको, कोई छोटा इंसान नहीं है, बहुत बड़ा इंसान है, पैसा भी है, धन भी है, संपन्नता है, समृद्धि है और ख्याति है, और वो इंसान कहता है मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि आज तक जो मैंने सोचा उसके उल्टा हुआ, जो मैंने प्लानिंग किया, जो मैंने प्रोग्राम बनाया उसके विरुद्ध हुआ सब कुछ मेरे जीवन में। और फिर उसको याद आता है उसके अपने धर्म का एक शास्त्र, वो शास्त्र उसको याद आता है, मुतबर्रक कुरान शरीफ, वो कहता है उसमें लिखा है कि एक प्लानिंग आदमी करता है, इंसान करता है, और दूसरी प्लानिंग वो इंसान को बनाने वाला करता है, वो परमात्मा करता है, और प्लान तो एक ही चलेगी, दो चल नहीं सकती। तो ऐसा ही होता है कि इंसान की प्लान फेल हो जाती है और उस अल्लाह की प्लान चलती है, वो प्लान कामयाब होती है। शास्त्र के ये शब्द वो सुन करके, पढ़ करके संतोष कर लेता है कि प्लान तो उसी की चलनी है, मैं खामखा अपनी प्लानिंग बनाता हूं, लेकिन सतगुरु तुमसे कुछ कहना चाहता है कि क्यों बिलख रहे हो, सारे का सारा जीवन अनिश्चित है, कुछ पता नहीं इंसान को, डरा हुआ है, हर इंसान डरा हुआ है। कम से कम जो मेरे सामने आता है वो किसी न किसी डर में मुब्तला है, कल का भय है, मौत का भय है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हानि ना हो जाए, जो भी मैं कर रहा हूं वो गलत ना हो जाए, बाहर गया है कोई बच्चा वो वापस लौटता है अभी कि नहीं लौटता, ये भी आज परिवारों में तुम शक करने लगे हो। आज इंसान जो घर से बाहर पैर रखता है उसको इतना नहीं पता, उसका परिवार नहीं ये जानता कि वो वापस लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा, जीवन इतना अनिश्चित हो गया है, तुम्हें लाभ होगा कि हानि होगी ये भी तुम नहीं जानते हो, कारोबार करना जानते हो उसमें क्या होगा। अभी मैं आ रहा था रामगढ़ से आश्रम से, तो कोई खड़ा है पूछने के लिए कि महाराज जी ये मैं करूं कि ना करूं, डर है कि कर लिया तो कहीं साड़ा सारे का सारा बर्बाद ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, धोखे पहले भी खाए हैं, काम गलत हो गए हैं, जाना चाहता है सीधे चला जाता है दूसरी दिशा में, उल्टा चला जाता है, जाना चाहता है उत्तर की ओर पहुंच जाता है पश्चिम की ओर, तो डर गया है, तो अनिश्चितता है, तो पता नहीं क्या हो, मार धाड़ चल रही है, किसी के साथ क्या हो जाए, सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हो जगह जगह,
सुरक्षा एजेंसियां खड़ी हो गई हैं जगह जगह, ये सुरक्षा की संस्थान खड़े हो गए हैं। तुम्हारे घर में सुरक्षा चाहिए, तुम्हें अपने आप में सुरक्षा चाहिए। तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारा घर सुरक्षित नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री सुरक्षित नहीं है, तुम्हारी दुकान सुरक्षित नहीं है। पता नहीं क्या हो जाए, कौन ताला तोड़ ले, कौन आग लगा दे, कौन लूट के ले जाए, कौन राह चलते हुए पकड़ करके सब कुछ छिन्न छिन्न कर ले। ऐसा जीवन है इंसान का इस संसार में। क्यों फिसल गया अपने हाथ से, क्यों निकल गया ये सारा संसार तुम्हारे हाथ से? तुम्हारा अपना ही जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम अपने ही जीवन पर अधिपत्य नहीं रखते हो, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बेबस, एक बेबसी की हालत में इंसान रोता है। मैं तुमसे कहता हूं, ये सारे का सारा जीवन तुम्हारी मुट्ठी में हो सकता है, तुम इसके मालिक हो। और ये सारे का सारा जीवन जैसे तुम चाहो चला सकते हो, जैसे तुम अपना भविष्य चाहो बना सकते हो, जो तुम चाहो वो पा सकते हो। कुछ भी असंभव नहीं है। और ये जो दास्ता है जीवन की, इसको त्यागा जा सकता है, गुलामी त्यागी जा सकती है। तुम मालिक हो, मालिक की संतान हो, और मालिक ही बन करके जी सकते हो। सारा जीवन तुम्हारी अपने इशारे पे चले, ऐसा जीवन होना चाहिए। जैसे तुम चलाना चाहो वैसा चले, जहां बैठना चाहो वहां बैठ सको, जहां पहुंचना चाहो वहां पहुंच सको, जो करना चाहो वो कर सको, तुम्हारे मुताबिक जीवन चले। क्योंकि तुम उसकी संतान हो, तुम कोई छोटे नहीं हो। क्यों इतने निहत्थापन में इंसान जीवन बिता रहा है, क्यों सो गया है, क्यों ये सब समाप्त हो गया है? उन शक्तियों का संचार जिसको तुम लेकर के आए हो, इसमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, कि ये संसार कैसे बना? ये संसार शब्द से निकला है, ये संसार शब्द से बना है। विज्ञान भी मानता है कि साउंड से ये सारी सृष्टि निकली है। तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया, उसने कहा चांद तारे आ जाए तो चांद तारे आ गए, उसने कहा सौरमंडल खड़े हो जाए तो सौरमंडल खड़े हो गए। केवल शब्द से, केवल कहने मात्र से, केवल एक विचार से, केवल एक भावना से वो सब हो गया। ये तुम्हारी पृथ्वी आ गई, उसने कहा प्राणी हो जाए तो प्राणी हो गए, उसने कहा पदार्थ आ जाए तो पदार्थ आ गए। केवल कहने मात्र से शब्द और विचार, ये बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे जीवन में। ध्यान दो, अपनी मान्यताओं पे ध्यान दो, अपनी धारणाओं पे ध्यान दो, अपने शब्दों पे ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपनी भावनाओं पे ध्यान दो। क्या सोचते हो, जैसी तुम्हारी सोच है वैसे तुम्हारा जीवन ढलने लगता है। बार बार मैंने ये कहा है और बार बार मैंने ये समझाया है, जैसी इंसान की सोच है वैसा ही उसका जीवन बनेगा, बनना ही चाहिए। जैसे तुम्हारे शब्द हैं, क्यों शब्द अपने बेकार में बोलते हो? बच्चे को कह देते हो जा मर जा, कितना अनिष्ट करते हो। किसी को गाली दे देते हो,
तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो शब्द तुम्हारे ही ऊपर आकर के लौटते हैं। अगर तुमने दूसरे को कहा ये गंदा है, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है कि तुमने वो गंदगी अपने भीतर बटोर ली, तुम गंदे हो गए सबसे पहले। क्यों कहते हो ऐसे शब्द? एक एक शब्द इंसान का बहुत कीमती है, और चूंकि तुम्हारे उस केंद्र से निकलता है जिस केंद्र में परमात्मा स्थित है, इसलिए उसका महत्व और भी बढ़ गया है। तुम बोलते हो दूसरे के लिए, ये बिना जाने कि वो सब जो तुम दूसरे के लिए बोलते हो वो दरअसल तुम्हें ही मिलने वाला है, वो तुम्हारे पास ही आएगा। किसी की निंदा करते हो, किसकी निंदा करते हो, किसी की भी निंदा करते हो, वो बुरा है, वो खराब है, वो ठीक नहीं है, क्यों व्यर्थ में अपना अपने शब्दों को बेकार में जाया करते हो, अपने संकल्पों को जाया करते हो? एक तो व्यर्थ में बहाते हो, उसकी कोई उस सोच की, उन शब्दों की, उन विचारों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे अपना जीवन कुंठित करते हो, अपना जीवन बेकार करते हो। हमने ध्यान में सबसे पहला जो उस पे रखा है एक पड़ाव, एक शर्त रखी है सब को जिसको भी ध्यान देते हैं कि तुम्हारे विचार कैसे हैं पहले ये देखो। अगर विचार तुम्हारे अशुद्ध हैं तो तुम्हारा नुकसान होगा, इसलिए ध्यान न करो। अगर तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी एकाग्रता प्रगाढ़ हो जाएगी, उस एकाग्रता के कारण तुम्हारे भीतर की जितनी भी शक्तियां हैं उनको बल मिलेगा, उनको एक प्रकार की ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और उस शक्ति के मिलने के कारण जो भी तुम्हारे भीतर है उसको शक्ति मिलती है। अगर तुम्हारे भीतर गंदगी है तो गंदगी को शक्ति मिलेगी, गंदगी बढ़ जाएगी तुम्हारे जीवन में। अगर तुम झूठ बोलते हो तो झूठ बड़ा हो जाएगा और तुम्हारा नुकसान करेगा। अब किसी के साथ वैर रखे हुए हो, किसी के साथ दुश्मनी पाल रखी है, तो वो दुश्मनी भयंकर रूप ले लेगी और तुम्हारा जीवन का नष्ट करेगी, तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाएगी। अगर तुम ध्यान करते हो, उस ध्यान के करने से तुम्हारे मन की सारी शक्तियां एकाग्र हो जाएंगी, तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं वो पूरी होने लगेंगी। इसलिए अगर इच्छाओं में कटुता है, कठोरता है, इच्छाओं में बुराई है, बुरापन है या गंदगी है, अगर इच्छाएं दूषित हैं, निकम्मी इच्छाएं हैं, तो वो सारा दोष तुम्हारे जीवन में ऐसे पनपने लगेगा जैसे बरसात में घास उगती है धरती पर, ऐसे उगने लगेंगे। और तुम कहोगे कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये कैसे मेरे जीवन में बिगाड़ पैदा हो गया। ध्यान ना भी करो तो भी तुम्हारे भीतर शक्तियों का अनंत असीम अखंड स्रोत है, और वो जो शक्तियों का स्रोत है, अगर तुमने अंतर मन से बुरा चाहा है किसी का, तो तुमने अपना ही बुरा कर लिया है, तुम्हारे अपने ही जीवन में बुराई आ गई है, और वो बुरा होगा। कोई दूसरा नहीं बैठा है यहां तुम्हारा बुरा करने वाला, ना परमात्मा किसी का बुरा करता है, सुख से दुख से न को पिताता। बार बार कहा है कि कोई बाहर बैठा हुआ तुम्हारे जीवन को चलाने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम्हें स्वतंत्रता है, पूर्ण रूप से तुम्हें छुट्टी मिली हुई है कि तुम जैसे चाहो अपने जीवन को बना लो। तो सबसे जरूरी तुम्हारे विचार हैं, शब्द हैं, तुम्हारे कृत्य हैं, तुम्हारे कर्म हैं, वाचा कर्मणा मनसा से। अगर तुम शुद्ध और पवित्र हो, अगर कल्याणकारी हो,
अगर मंगल चाहते हो हर एक इंसान का, तो सबसे पहले तुम्हारा मंगल होने लगेगा। कोई बीमार है, अगर उसका स्वास्थ्य चाहते हो, तुम दिल से चाहते हो, हृदय से चाहते हो कि वो जो बीमार है वो ठीक हो जाए, तो याद रखना तुम्हारे अपने जीवन से बीमारियां दूर होने लगेंगी, तुम्हारे अपने जीवन से बीमारी नहीं रहेगी। और अगर तुम चाहते हो कि वो आदमी बीमार हो जाए, अच्छा हुआ उसका खराब हुआ, अच्छा हुआ वो बीमार पड़ा, वो रोगी हुआ, तो याद रखना तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। उसके तो कर्म है, जैसा होगा वैसा वो भोगेगा, लेकिन सबसे पहले तुमने अपना नुकसान कर लिया। क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? ये सारा ब्रह्मांड बनाया गया था इसलिए कि इसमें कल्याण की भावना ओतप्रोत रहे। हर इंसान, हर जीव दूसरे के कल्याण के बारे में सोचे, मंगल चाहे। और अगर तुम मंगल चाहते हो, कल्याण चाहते हो जगत का, दूसरों का, हर दूसरे इंसान का, तो तुम्हारे अपने जीवन में कल्याण होने लगेगा, तुम्हारे अपने जीवन की बगिया में फूल खिलने लगेंगे, तुम स्वयं महकने लगोगे। इस छोटी सी बात को समझ लो। और इसी से हमने लोगों को जो रोग मुक्त नहीं हो पा रहे, उनके रोगों को ठीक किया अपने आप। सतगुरु ने कुछ नहीं किया, उन्हीं लोगों ने अपने रोग को स्वयं ठीक कर लिया। वो जो शक्तियां हैं उनको भीतर तुम मोड़ लेते हो, तुम्हें रोग है, तुम्हें शोक है, तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है, उस तरफ तुमने अपनी शक्तियों को मोड़ लिया और तुमने अपने संकल्पों को, अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को, अपने शब्दों को पुष्ट किया, पॉजिटिविटी उनमें दी, नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी, विधायकता, सार्थकता उनमें लाए। और जितनी भी नकारात्मकता थी, जितनी भी वो टूटी टूटी बातें थी, बुरी बुरी बातें थी, खराब खराब विचार थे, वो नेगेटिविटी से भरे हुए, वो नकारात्मकता से भरे हुए, उनका तुमने सदा सदा से के लिए तैयार कर दिया, पूरी तरह से त्याग कर दिया। और पुष्टिदायक, कल्याणकारी, मंगलकारी, विधायक विचारों को आपने भीतर स्थान दिया और उसी से तुम रोग मुक्त होने लगे, अपनी हीलिंग होने लगी, अपनी अपने रोग से मुक्ति पाने लगे, अपने शोक से मुक्त होने लगे, अपने ही विचारों से, अपने ही ख्यालों से। मैंने कितनी मिसालें दी हैं पिछले कितने सत्संगों में, और जिंदा मिसालें कि किस प्रकार से लोगों ने अपने टूटे हुए जीवन को जोड़ लिया, अपने उस जीवन को जिसमें बदबू आ रही थी उसको सुगंधों से भर लिया, केवल विचार से, केवल अपने विचार से। और अगर साथ में तुम ध्यान भी करने लगते हो तो उस विचार में और शक्ति आ जाती है, तो वो विचार प्रबल हो जाता है और घटनाएं जो साल में घटनी थी वो दिनों में घटने लगती हैं। ये कितना छोटा सा मंत्र है तुम्हारे पास, मुक्ता अभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धा अभिमानी अपि किं विदन्ति एह सत्यम् यामति सागतिर्भवे। मैंने बार बार कहा है कि जैसा तुम कहो वैसा हो जाता है। तुम अगर अपने आप को मुक्त करना चाहते हो तो तुम समझो कि तुम मुक्त हो और तुम मुक्त हो गए। समझने मात्र से, लेकिन समझ बाहर बाहर की है तो काम न बनेगा, थोड़ी सी भीतर की है तो देर लगेगी। पूर्ण रूप से अंतर मन से, अंतर प्रज्ञा से, अंतर चित्त से, अंतर आत्मा से अगर तुमने वो चाहा है, वो सोचा है, तो तुरंत घटना घटती है,
तो तुरंत तुम्हारे जीवन में रूपांतरण होता है, बदलाव आता है। यद भावम तद भावती, तुम्हारा वेद कहता है, मैं नहीं कहता। अगर तुम यही सुनना चाहते हो तो जाओ पन्ने खोलो अपने शास्त्रों के। यद भावम तद भावती, जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसा तुम्हारा तुम्हारे साथ होने लगेगा, घटित होने लगेगा, वैसी घटनाएं घटेगी। यादृशी भावना यस सिद्धिर भक्ति तादृशी, तो ऐसे ही घटना घटने लगती है। तुम्हें अपने जीवन का मैं स्वयं मालिक बनाना चाहता हूं, तुम किसी पर निर्भर ना हो। कोई सतगुरु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अगर तुम सतगुरु के शब्दों को अपने जीवन में उतार करके वैसा अपना जीवन नहीं बनाते। तो सतगुरु वो है जो कुंजी तुम्हारे हाथ में देता है, वो कहता है लो अपने आप खोलते रहो अपने ताले, अपने जीवन के जो बंद ताले हैं उनको अपने आप खोलते रहो। तुम सशक्त हो, तुम मंगते नहीं हो, तुम किसी द्वार पर जाकर के नाक रगड़ रगड़ के किसी सतगुरु से या किसी परमात्म तत्व से या किसी फकीर से या किसी दरगाह से मांगने नहीं जाते हो। तुम स्वयं वो द्वार हो, तुम्हारे भीतर वो स्वयं द्वार वो खुलता है। देखो दोनों चीजें तुम्हारे अंदर हैं, असत भी तुम्हारे अंदर है, सत भी तुम्हारे अंदर है। असत अनेक हैं, लेकिन सत एक है और वो है परमात्मा। दोस्त भी बहुत हैं तुम्हारे भीतर और दुश्मन भी बहुत है, लेकिन मेरे देखे दुश्मन ही दुश्मन इंसान के भीतर है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, निंदा है, हिंसा है, क्या नहीं है, वो सब तुम्हारे दुश्मन अंदर बैठे हैं। लेकिन उनमें दोस्त भी है और वो परमात्मा है। दोस्त एक है, दुश्मन अनेक है। अब तुमने चुनना है अपने जीवन को, दोनों हैं, प्रकाश भी है अंधकार भी है। अंधकार की बदलियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, एक बादल आया, दूसरा बादल आया, तीसरा बादल आया। इंसान का हृदय आच्छादित रहता है अंधकार से, वो अंधकार मिटता ही नहीं है। लेकिन तुम प्रकाश की लौ जला लो, एक दिया भी है वो जला लो, प्रकाश जल जाए तो सब अंधेरे, जन्म जन्मों के अंधेरे सब मिट जाते हैं, कुछ नहीं बचता, सदा सदा के लिए मिट जाते हैं वो अंधेरे। एक प्रकाश की लौ से जो भीतर है, वो प्रकाश की लौ भी भीतर है, वो अंधकार भी भीतर है। लोग कहते हैं महाराज जी ध्यान किया है आपने, बताया था, लेकिन अंधेरा ही अंधेरा है अंदर, अंधेरा ही अंधेरा। टटोलते रहो और जाओ गहरे जाओ गहरे जाओ गहरे जाओ। अंधेरे तो हैं, लेकिन अंधेरे छटने लगते हैं। दिखत दिखत दिखने लगे, वो देखते 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 तुम्हें सब दिखाई देने लगता है, अंधेरे मिट जाते हैं और प्रकाश उदय होता है। वो भीतर है, प्रकाश से तुम रिक्त नहीं हो। कोई भी इंसान उस प्रकाश से खाली नहीं है। अगर तुमने उनको ढक लिया है बादलों से और अंधेरों से और सब ये जन्म जन्म के आच्छादित कुकर्मों से, तो वो अलग बात है, लेकिन वो छट जाएंगे, वो छटेंगे। तो दोनों तुम्हारे भीतर हैं, सोना भी तुम्हारे भीतर है, मिट्टी भी तुम्हारे भीतर है। तुमने सोना को पकड़ लिया, सोने को पकड़ लिया, तो मिट्टी अपने आप खो जाती है, वो छट जाती है, वो रुकती नहीं, वो रहती नहीं। तो उधर देखो भीतर, मैंने कहा दोनों है, चयन तुम्हारा है, चॉइस तुम्हारा है,
तुम क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, जो पाना चाहते हो वही तुम्हें भीतर से मिल जाता है, मिल सकता है। चमत्कार कहते हो, चमत्कार करते हैं, कोई सतगुरु चमत्कार नहीं करता है, तुम्हें साफ बता दूं, चमत्कार तुम स्वयं करते हो। जागो, देखो पहले तुम्हें मैं जगाना चाहता हूं, जागो, अपने प्रति जागो, संसार के प्रति जागो। सोया सोया इंसान सब कुछ खो देता है, सब कुछ छिन जाता है उससे। सोए सोए तुम काम पे जाते हो, कॉलेज, स्कूल, दफ्तर, दुकान पे जाते हो, सोए सोए तुम घर जाते हो, मन कहीं खोया हुआ है, मन बटा हुआ है, मन बिखरा हुआ है, मन साथ है नहीं, और इंसान ऐसे है जैसे निद्रा में है। जरा जाग जाओ, होश से भर जाओ। अब यहां बैठे हो सत्संग में तो देखो, अपने आप को ही देखो कि क्या तुम पूर्ण रूप से यहां हो। शरीर से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अंतरात्मा से, क्या तुम यहां हो, पूरे का पूरा हो। अगर पूरे का पूरा हो तो मैं यकीन दिला सकता हूं कि पल भी नहीं लगेगा और घटना घट जाएगी और तुम्हारा सत्संग हो जाएगा और तुम्हें सब मिल जाएगा। लेकिन इंसान होता हुआ भी नहीं होता, बैठा हुआ भी कहीं और है, देखता हुआ भी कहीं और है। ये बिखरा बिखरा मन, ये टूटा टूटा चित्त तुम्हारा, ये वो पा नहीं पाता, उस अमृत को ग्रहण नहीं कर पाता जो अमृत तुम्हारे चारों तरफ बिखरा है, जो ऊपर से भी छन छन के तुम्हारे ऊपर गिर रहा है, और जो सब ओर से तुम्हारी ओर आने की कोशिश कर रहा है, तुम उसको रोके हुए हो क्योंकि तुम कहीं और हो, तुम मौजूद नहीं हो। जो पूर्ण रूप से यहीं अभी इसी समय हियर एंड नाउ मौजूद है, उस पे वर्षा हो जाती है, उस पे अमृत गिर जाता है। जागो, जागना जरूरी है। एक एक कदम तुम चलते हो तो जाग के चलो, सोए सोए नहीं। सोए सोए चलोगे तो ठोकर लगेगी, तो गिरोगे, चोट लगेगी। सोए सोए खाना खाते हो, पता भी नहीं कौन खा गया, थोड़ी देर पर पूछो क्या खाया है तो याद करना पड़ता है कि क्या खाया था, इतना भी पता नहीं है क्या अंदर डाल रहे हो अपने शरीर के अंदर। एक ऑटोमेशन हो गई, जैसे मशीनें चलती हैं ऑटोमेटिक, इंसान रोबोट हो गया, रोबोट ये जैसे अपने आप हो रहा है, बटन दबाया तो चलने लगा और बटन दबाया तो बंद हो गया, बटन दबाया तो दाहिने चला गया, बटन दबाया तो बाएं चला गया। इस मशीन के युग में इंसान ने अपने आप को गंवा दिया, गुम हो गया, इसी मशीन की तरह हो गया, इसीलिए सोया है। इसी को मैं कहता हूं सो गया इंसान। जागो। ये परमदयाल जी महाराज जिनकी अभी यहां चर्चा कर रहे थे, ये प्रोफेसर साहब पीछे बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे थे यहां, उन परमदयाल जी ने कहा मैं जाग गया, मैं जाग गया। कोई समझा इस बात को? उन्होंने कहा मैंने जाग करके पाया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने कहां जाना है, मेरा गंतव्य क्या है, मैं हूं कौन। अपना ही नहीं पता है कि मैं कौन हूं। जाग करके तुम पाओगे कि एक तत्व है, एक परम तत्व है, और उस तत्व में
हरकत होती है और उस हरकत से शब्द पैदा होता है, उस शब्द में सुरत आती है, उस शब्द में चेतना आती है, उस चेतना में सुरत आती है, वो सुरत आती 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 इस शरीर में आ जाती है और अनेक रंगों में फैल जाती है, अनेक चोलों में बट जाती है। ये सब जो तुम बैठे हुए हो, ये अलग अलग चोले यहाँ वहाँ सारे संसार में, सारे जगत में, इन चोलों में, इन रंगों में, इन रूपों में बटी हुई वो सूरत, वो तुम भटकती हो, तुम भटकते हो तो वो भी भटकता है, वो सूरत भी भटकता है, वो चेतना भी भटकती है तुम्हारे साथ। और ये उस बुलबुले की तरह, जो बुलबुला पानी का एक सतह के ऊपर सागर में है, उसमें बस मैं आ गई है, वो मैं जब तक पूर्ण रूप से मिट नहीं जाती है, मैं जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक ये सुर शब्द में विलीन नहीं होती है, शब्द में नहीं मिलती है, जहां से आई है, जिस शब्द से निकली है, उस शब्द में वापस नहीं जाती है। और जब ये लय हो जाती है, जब उसमें वापस हो जाती है, तो उसी को हमने कहा राजा स्वामी नाम। लोग समझते नहीं है, यही राधा स्वामी अवस्था है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, कोई धर्म नहीं है। उस अवस्था को संतों ने कहा राधा स्वामी, और वो सुरत तुम्हारी, वो लय होती नहीं शब्द में, जहां से वो आई है, जहां से सारा संसार निकला है, वहीं से मैंने कहा ना, वो जो तत्व है उसमें हरकत होती है, उस हरकत से शब्द पैदा होता है, उसी शब्द में चेतना का संचार होता है, उसी चेतना में सुरत आती है, वही आती 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 शरीरों में बैठ जाती है, शरीरों में चली जाती है, रंग और रूप बन जाते हैं, संसार बन जाता है। और जब तक ये वापस अपने उस स्रोत में, उस परम स्रोत में मिल नहीं जाती, तब तक भटकाव है। उसी के लिए सतगुरु उतरता है। सतगुरु कौन है? सतगुरु वो है जो स्वयं जाग गया और तुम्हें जो जगा सकता है, तुम्हें जागृत कर सकता है। तुम पूर्ण रूप से अगर जागृत हो तो यकीन मानना, इस बात को विश्वास रखना, अगर तुम पूर्ण रूप से जागृत हो तो तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आ सकता, तो तुम्हारे जीवन में बुराई नहीं आ सकती, तो तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का विषाद, किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का क्लेश नहीं आ सकता, आना नहीं चाहिए अगर तुम पूर्ण रूप से जागृत हो। हाँ, कर्मों के अनुसार वो सब होगा, वो आएंगे, सिर में दर्द भी होगी, पेट में भी दर्द होगी, वो जो रोग आते हैं, वो जो शोक आते हैं, वो घटनाएं घटती हैं, लेकिन तुम उससे न्यारे हो, तुम उससे परे हो, वो सब घटती है तुम्हारे सामने, ऐसे ही जैसे चलचित्र पे तुम सिनेमा देखते हो, वो टीवी पे तुम देखते हो, या किसी पर्दे पर तुम देखते हो, कुछ चीजें घटित होती हैं, तुम्हें वो प्रभाव नहीं डालती तुम्हारे ऊपर, तुम्हें प्रभावित नहीं करती, तुम उससे न्यारे रहते हो। वो संत जो जाग गया है, वो भी भोगता है सुख और दुख के, वो नजारे जो इंसान भोगता है, वो कोई न्यारा नहीं है, वो कोई अलग नहीं है, लेकिन फर्क इतना ही है कि वो सब भोगता हुआ भी उनसे पार है। इसीलिए मैंने तुम्हें वो नारा दिया था ना, कि न भागो न भीगो। संसार से बिल्कुल नहीं भागना, अपनी समस्याओं से नहीं भागना,
अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हो रहा है, उनको छाती तान के सामने सन्मुख होकर के उनके सामने पूरी पूर्ण रूप से खड़े रहो। उनका मुकाबला तुम अपने आप करोगे, कोई उसके लिए अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। बस तुमने भागना नहीं और भीगना भी नहीं है, उसके भीतर इतना भी नहीं घुस जाना है कि वही हो जाओ। संसार से न भागो न संसार में भीगो, वरन जागो और भोगो। जाग करके भोगोगे तो भोग का कोई बंधन तुम पे नहीं होगा। जाग कर जो भी तुम भोगोगे, तुम उससे उसके फल से न्यारे रहोगे, वो बंधन नहीं बनेगा। आज जब तुम भोगते हो संसार को, तो एक एक भोग तुम्हारा, चाहे वो वचन से है, चाहे वो कर्म से है, चाहे वो वाणी से है, चाहे वो चित्त से है, मन से है, उसका बंधन तुम्हें बांधता है और तुम बेड़ियों में जकड़े रहते हो और उसी के कारण दुख और सुख संसार में भोगते हो। बार बार जन्म होता है और इंसान आकर के अपने उन कर्मों का फल भोगता है। इन कर्मों को करते हुए अगर फलों से पार होना चाहते हो कि कोई भी फल तुम्हें छू ना पाए, इन कर्मों को करते रहो। कर्मों से भागना भी नहीं है, क्योंकि ये कर्म जो है ये निहित है तुम्हारे लिए और ये तुम्हारा कर्तव्य है, उसको करना ही है। लेकिन करने की कला है कि तुम करो भी और तुम्हारे हाथ भी ना भीगे, तुम करो भी और मल की एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर ना पड़े। तुम करते भी रहो सब कुछ और तुम उनके प्रभाव से, उनके फल से एकदम अलग रहो। कमलवत जैसे मछली पानी में रहती है, जैसे आकाश पर उड़ते हैं पक्षी पंख फैला करके, निशान भी नहीं छूटता पीछे और उनके पंखों पे कोई दाग नहीं होता। हंस की चाल, कबीर साहब ने बार बार हंस की बात की है। हंस गति अति न्यारी, वो जो हंस की गति है जिसमें वो हंस पानी में ही, जल में ही रहता है लेकिन जल की बूंद भी उसको नहीं छूती है। वो हंस जो मोतियों को भी देखता है, कंकरों को भी देखता है, साथ साथ देखता है लेकिन कंकरों की तरफ झुकता नहीं है, कंकरों की तरफ ध्यान नहीं देता है, मोती ही चुभता है, मोती ही चुन लेता है। इस संसार में दोनों हैं। मैंने कहा तुम्हारे भीतर भी दोनों हैं, तुम्हारे बाहर भी दोनों हैं और तुम्हारा चॉइस क्या है, तुम चुनते क्या हो, वो तुम्हारी प्रज्ञा पर निर्भर है, तुम्हारे विवेक पर, तुम्हारी बुद्धि पर। और उसी बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए, उसी विवेक को जगाने के लिए, उसी प्रज्ञा का उत्थान करने के लिए सतगुरु उतरता है और तुम्हें वो ज्ञान देता है ताकि तुम स्वयं मालिक बन जाओ अपने और स्वयं देख लो क्या खराब है क्या ठीक है। और मैंने तुमसे कहा कि तुम स्वयं चमत्कार कर सकते हो। देखो मैंने पहले भी कहा है लेकिन आज फिर बताता हूं, ये जब भी तुम मुझे आके कहते हो कि महाराज जी आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तुम सतगुरु को कहते हो कि कमाल कर दिया, अरे मुर्दा जिंदा हो गया, कोई आदमी मर रहा था वो जीवित हो गया, कोई आदमी का दिवाला निकल गया था, सब नष्ट हो गया, जल गया, समाप्त हो गया और स्मृति को प्राप्त हो गया, दिनों में बदल गए उसके हालात, कोई सो नहीं सकता था और आपने ऐसा जादू किया कि नींद आ गई। तुम सतगुरु से ये कहते हो
और सतगुरु तुमसे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी श्रद्धा का फल है। जो मेरे पास आते हैं उन्होंने सुना भी होगा, मैंने कई बार तुम्हें कहा है तुम्हारी अपनी श्रद्धा का फल है। इस बात को हमेशा याद रखना, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन में। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, अटूट विश्वास, आस्था। अपने आप में भी श्रद्धा नहीं है तुम्हें, इसीलिए यकीन नहीं है, डोलते हो, घबराते हो, भय। श्रद्धा अपनी शक्तियों पर, श्रद्धा अपने आप पर, श्रद्धा और फिर जहां जा रहे हो वहां पे श्रद्धा, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो भाप रहे हो, सतगुरु पे श्रद्धा तो तुमने कभी रखी नहीं, क्योंकि जिस जिसने भी रखी है उसका उद्धार हो गया, वो पहुंच गया, बिना चले पहुंच गया, बिना कुछ किए पहुंच गया, बिना हाथ हिलाए पहुंच गया। एक नहीं अनेक मिसालें तुम्हारे सामने हैं, उनकी अपनी श्रद्धा का ये फल है। भगवान कृष्ण गीता में साफ साफ कह देते हैं अर्जुन को, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान उसको मिलता है जो श्रद्धा में डूबा हुआ है, और ज्ञान मिलने से क्या होता है, ज्ञानम लब्ध्वा प्राण शांति अचिरेण अधिगच्छति। उस इंसान को ऐसी शांति प्राप्त हो जाती है, ऐसा सुख और आनंद भीतर गिरता है कि जो कभी नहीं मिटता है। उस ज्ञान से, कौन सा ज्ञान, किताबों का पुस्तकों का ज्ञान नहीं, सतगुरु तुम्हें आत्मज्ञान से सचेत करता है, आत्मज्ञान से भरता है, अपने ही निज स्वरूप का ज्ञान, वही परमात्म ज्ञान है, वही परमात्मा का ज्ञान है। वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के उदय होते ही, और उस ज्ञान की सबसे पहली शर्त क्या है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से भरा हुआ है, जो आस्था से भरा हुआ है, जो विश्वास से भरा हुआ, जिसका विश्वास ही नहीं है वो क्या पाएगा। विवेकानंद कनाडा में कह रहे थे कि श्रद्धा से पहाड़ भी आगे से हट जाता है। एक औरत बैठी थी, विदेशी औरत कनाडा से, उसने सुना कि हिंदुस्तान से कोई फकीर आया है, वो कहता है कि श्रद्धा से पहाड़ भी हट जाते हैं। तो वो उठी और घर गई, उसने कहा, सोचा अपने मन में कि मेरे तो खिड़की के सामने ही पहाड़ है और वो रोशनी रोकता है और वो हवाएं रोकता है और मैं दुखी हूं उस पहाड़ से। तो यहां कहा गया है कि श्रद्धा से तो पहाड़ भी हट जाता है, तो मैं हटाती हूँ, देखती हूँ जाके। तो वो जाती है और जाकर के आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है अपनी अपनी खिड़की की चौकाट के अंदर, सामने खिड़की है और खिड़की से पहाड़ को देखती है और प्रेयर करती है कि पहाड़ हट जाए, पहाड़ हट जाए, पहाड़ हट जाए, मैं श्रद्धावान हूँ, मैं श्रद्धावान। और थोड़ी देर बाद आंखें खोलती है और आंखें खोल के देखती है कि पहाड़ तो वहीं का वहीं खड़ा है। और फिर अपने आप से कहती है, ये तो मुझे पता ही था कि पहाड़ तो नहीं हटेगा, पहाड़ तो वहीं रहेगा, ये तो मैंने आजमाने के लिए, उस फकीर की बात को आजमाने के लिए कि वो कह रहा है तो करके देख लेते हैं। जो ये भावना रखते हैं कि करके देख लेते हैं, शायद हो जाए, उनकी श्रद्धा नहीं है। वो जो ये जो शायद करके देख लें, शायद हो जाए, हाँ कहा है तो चलो देख लेते हैं, ऐसे लोगों में श्रद्धा नहीं है। वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। श्रद्धा का तो अर्थ ये होता है कि बस अब सब सौंप दिया, अब कुछ भी नहीं अपना, अब कुछ भी नहीं अपना, अब सब सौंप दिया,
अब सब हो गया, अब उसी के हवाले सब। और यहां तुम कहते हो कि मैं श्रद्धा से भर गया हूं, वहां दूसरा ही प्रश्न करते हो कि महाराज जी श्रद्धा तो बहुत है लेकिन रात को नींद नहीं आती है। अगर नींद नहीं आती हो तो काहे की श्रद्धा? श्रद्धा का अर्थ ये है कि सब चिंताएं उसकी, सब कुछ उसका। क्योंकि श्रद्धा का अर्थ ये है कि कोई है जो सब कर रहा है, कोई है जो सब चला रहा है। अभी यहां पर एक मंत्र पढ़ा गया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो क्या कहा है कि गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश भी है, शिव भी है। हमारे शास्त्रों में खासकर के पुराण में ये तीन शक्तियों का बार बार जिक्र आया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। परमात्मा का ही नाम, परमात्मा की तीन शक्तियों को अलग 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 दर्शाया गया है। तो बार बार कहा गया है कि ब्रह्मा ने पैदा किया, ब्रह्मा तुम्हें लेके आई इस जगत में, विष्णु तुम्हारी पालना कर रहा है और शिव तुम्हें उठा के ले जाएगा। तो फिर चिंता किस बात की? ब्रह्मा तुम्हें यहां लेके आए हैं, विष्णु तुम्हारी पालना कर रहा है और शिव का काम है कि तुम्हें लेके चला जाएगा यहां से। तो न जाने की चिंता, न यहाँ यापन करने की चिंता, न यहाँ पालन पोषण करने की चिंता, न यहाँ रहने की। जब लाए तब लाए, जब ले जाए तब ले जाए, जो दे सो ठीक, जो पालना करना सो ठीक है। ये छोटी सी बात जो तुम्हारे पुराणों में ये कथा बार बार आती है, समझो इसको। इसका अर्थ यही है कि समर्पण का ही जीवन है, समर्पण में ही तुम्हारे जीवन के परम सुगंधित फूल खिलने लगते हैं, तुम्हारी बगिया महकने लगती है, तुम्हारा आंगन महकने लगता है, तुम्हारा जीवन महकने लगता है और रंगों से भर जाता है। रंग कहीं इस दुनिया से बटोरने की जरूरत नहीं है, सब रंग चले आते हैं। जिसने वो पा लिया उसके भीतर सब रंग अपने आप चले आते हैं। तो इसमें तुम्हें चमत्कारों की बात कर रहा था। सबसे पहला कदम है श्रद्धा का। अगर श्रद्धा नहीं है तो तुम चले जाओ ब्रह्मा के पास, चले जाओ ब्रह्मा के भी सतगुरु के पास चले जाओ, उस सतगुरु के भी सतगुरु के पास चले जाओ, परमात्मा के पास साक्षात रूप में खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिल नहीं सकता है। श्रद्धा पहला और आखिरी कदम है। दो लोग मेरे पास आते हैं, एक को मैं कुछ कह देता हूं उसका जीवन पनपने लगता है, फूलने फलने लगता है, वो आजाद हो जाता है दुखों से, और दूसरा इंसान वहीं पिटता रहता है, कुछ नहीं होता उसके जीवन में। क्यों ऐसा होता है? साफ है, एक श्रद्धावान है, दूसरे के भीतर श्रद्धा ने अभी जन्म ही नहीं लिया। ऐसे कहने को नहीं होता है कि श्रद्धा है, या लमलेट हो जाओ सतगुरु के सामने और दंडवत प्रणाम करो। करते हैं लोग, सारा शरीर लटा देते हैं कि जैसे इन जैसा कोई भक्त है नहीं कोई दूसरा। लेकिन भीतर झांकता है जब सतगुरु उसके, टटोलता है उसको, तो खाली पाता है कि सब छलावा है। उसको भी नहीं पता कि वो छलावा कर रहा है। मुश्किल तो ये है कि आदमी इतना अंधा है कि जो आदमी सतगुरु के प्रति इतनी भक्ति जताता है और एक एक अपने कृत्य में, एक कर्म में वो जताता है कि मैं सतगुरु के प्रति बड़ा भक्त हूं, वो स्वयं नहीं ये जानता कि वह ढोंग कर रहा है, कि वो छलावा कर रहा है। वो स्वयं समझता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन गलत है रास्ता। इतना अंधापन तुम्हारे भीतर है। तो जब तक जागरण नहीं होता है पूर्ण रूप से, तब तक वो परम ज्ञान उतरता नहीं है। श्रद्धा और दूसरा
और दूसरा कदम क्या है। देखो, एक औरत का बच्चा बीमार है, मैं बड़ी जीवंत मिसाल देता हूं। एक औरत का बच्चा बीमार है, इतना सख्त बीमार है कि डॉक्टर निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, और वो टेलीफोन करती है अपने सतगुरु को कि मुझे बख्शो और एक बार कह दो कि बच्चा ठीक हो जाएगा। सतगुरु कहता है कि सब तरफ से निराशा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब क्या हो सकता है। लेकिन वो औरत जिद है, वो बार बार जिद कर रही है अपने सतगुरु से कि एक बार बस कह दो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सारी दुनिया कह रही है कि ये लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकता, आप उठा लो इसको, लेकिन मैं हार करके सब तरफ से आपके पास आई हूं। सब इतना कह दो कि बच्चा ठीक हो जाएगा। वो सतगुरु उस औरत की हालत देख करके पिघल जाता है, करुणा बहती है, कृपा बहती है, वो कह देता है जा, चली जा, ठीक हो जाएगा। और वो बच्चा ठीक हो जाता है। अब ये क्या है? वो औरत समझती है कि सतगुरु ने जादू कर दिया। सारी दुनिया यही समझती है कि सतगुरु ने जादू कर दिया। डॉक्टर तो समझते हैं सतगुरु ने जादू कर लिया। सतगुरु जानता है कि कोई जादू उसने नहीं किया। उस औरत की श्रद्धा इतनी गहन है, समझो मैं बार बार समझा रहा हूं तुम्हें, उस औरत की श्रद्धा अपनी श्रद्धा इतनी गहन है कि वो ये समझती है कि एक बार सतगुरु चाहे सोए हुए चाहे सपने में ही बोल दे कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। इतनी अटल श्रद्धा है, इतनी अटूट श्रद्धा है, सारी दुनिया के बरखिलाफ को खड़ी है। लोग कह रहे हैं बच्चा नहीं बच सकता, वो कह रही है बचेगा अगर मेरे सतगुरु ने कह दिया तो। सतगुरु कह देता है, सतगुरु को भी पता नहीं, वो भी पीछा छुड़ाने के लिए कह देता है कि ठीक हो जाएगा, जा तू अब, ज्यादा न रो, अब वो ठीक हो जाता है। श्रद्धा टटोलो अपने आप को, कहां तुम्हारी श्रद्धा में खोट है। इंसान खुद नहीं जानता, जो ज्ञान नहीं रखता, जिसको अपना ही ज्ञान नहीं है, उसको ये क्या पता कि मेरी श्रद्धा कैसी है। वो समझता है श्रद्धा हर इंसान यहां जो बैठा हुआ है, मैं जानता हूं, वो सब समझते हैं हम अपने गुरु के हैं, हम गुरु के भक्त हैं, हमारी श्रद्धा है। गुरु जानता है किसकी कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, विश्वास। और दूसरा कदम क्या है श्रद्धा के अलावा? दूसरा कदम है कि एक शक्ति बहती है। एक और मिसाल देता हूं, किसी इंसान ने बहुत बुरी तरह से लिपटा हुआ था, वो कर्जे में सब बर्बाद हो गया था, बीमार भी रहने लगा था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आ गई कि अगर मैं सतगुरु की चादर को छू लूंगा तो मेरा सब मिट जाएगा कलेश और दूर हो जाएंगे दुख। बस ये आ गया दिमाग के अंदर, और इसी श्रद्धा से, इसी विश्वास से कि चादर को छुआ नहीं और चमत्कार हुआ नहीं, इसी एक विश्वास के साथ वो किसी न किसी प्रकार से पास जाके चादर पकड़ लेता है और घटना घट जाती है। और सतगुरु महसूस करता है कि कुछ उसके भीतर से निकल के गया है, कोई शक्तियों का पुंज प्रवाह, उस करुणा का प्रवाह शक्ति रूप में उससे निकल करके गया है। क्या हुआ? वो सब हो गया, वो इंसान नया हो गया,
उस इंसान का जीवन नया हो गया, उस इंसान की किस्मत बदल गई, पलों में बदल गई। ये चमत्कार किसने किया? उस इंसान ने स्वयं ये चमत्कार किया। सतगुरु को तो पता नहीं, सतगुरु ने इतना कभी अनुभव कर लेता है, अनुभव हो गया उसको कि कुछ कुछ किसी ने खींचा है मेरे अंदर से, मेरे भीतर की शक्तियां जो करुणा बन करके बहती हैं संसार में, उसने उसने खींच लिया है, अट्रैक्ट किया है। तो मैंने हमेशा कहा है, जो फेथफुल है, जो श्रद्धा से भरा हुआ है, वो खींचता है, वो अट्रैक्ट करता है हीलिंग को, वो अट्रैक्ट करता है शक्तियों को, ऊर्जाओं को, और उसके जीवन में जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं, वो अपने आप पूरी हो जाती हैं। अपनी चाह के अनुसार तुम अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम श्रद्धावान हो, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड उन शक्तियों से भरा हुआ है, और वो शक्तियां स्थान स्थान पर हैं, जगह जगह हैं, सारे कण कण में वो शक्तियां हैं, किसी शरीर में नहीं है वो। लेकिन जहां तुम्हारी आस्था है, जहां तुम्हारी श्रद्धा है, वहां तुमने उन सारी शक्तियों को अपने भीतर आत्मसात कर लिया, और तुम्हारा जीवन पलटा खा गया, तुम्हारा जीवन सारे का सारा हो गया। तो ये जरूरी है, और इसी को, इसी आस्था को, इसी श्रद्धा को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए तुम प्रे करते हो, तुम प्रार्थना करते हो। प्रार्थना का अपना असर है, अपना प्रभाव है। तुम मांगते हो, तुम कहते हो अपने सतगुरु से, अपने परमात्मा से कि ये दे दो, मुझे ये मिल जाए। जितनी गहरी श्रद्धा से उठते हैं वो स्वर कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये आ जाए, उतनी ही त्वरा से, उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन में वो मिलने लगता है जिसकी मांग है। ये धर्म ग्रंथ जो ईसाइयों का है बाइबल, इसमें एक वाक्य बहुत बहुत बार सुना गया, बोला गया, ask and it shall be given unto thee, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto thee। ये तीन वाक्य कि खटखटाओ और द्वार खुल जाएगा, मांगो और मिलेगा, करो तलाश, ढूंढो और तुम्हारे हाथ लग जाएगा। बड़ा बड़ा सीधा सीधा वाक्य है। इसका अर्थ इतना ही है, ये प्रार्थना की तरफ तुम्हें ले जाता है कि अगर तुमने उस अंतरात्मा से, उस श्रद्धा से भरे हुए प्रार्थना की है, तो वो लाजमी तौर पे घटना घटेगी। तो उस प्रार्थना को कबूल कर लिया गया है, और सारी कायनात की शक्तियां उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे भीतर उतरने लगती हैं, और सतगुरु एक बिंदु बन जाता है तुम्हारे लिए, उन सारी शक्तियों को तुम्हारी तरफ बहाने के लिए एक केंद्र हो जाता है, एक फोकस हो जाता है, कि वो सारी शक्तियों को लेकर के तुम्हारे भीतर प्रवाहित कर दे। जैसे प्रिज्म है ना, तो वो उसमें से गुजरती है, ये सूर्य की रोशनी गुजरती है तो वो फट जाता है, रंगों में फट जाता है। और जैसे कन्वेक्स लेंस है, उस लेंस को रखो तुम सूर्य की रोशनी में, तो सूर्य की सारी रोशनी वो इकट्ठी करके, एकाग्र करके आगे डालता है, जिस पे भी डालता है वो जल जाता है, जिस पे भी वो डाली जाती है रोशनी वो जल जाती है। अभी तुम जलाना चाहो किसी चीज को बिना आग के, तो सूर्य चमक रहा है, उसकी रोशनी के आगे कन्वेक्स लेंस रख दो, और नीचे जो भी रखोगे उस पे वो सारी सूर्य की किरणें इकट्ठी हो करके एक बिंदु पे गिरेंगी, वो कन्वेक्स लेंस की मदद से,
तो वो वहां पर अपना उग्र प्रभाव, सबसे उग्र प्रभाव डालेंगी, वहां आग लग जाएगी। ऐसे ही होता है, सतगुरु उस कन्वेक्स लेंस की तरह वो सारी ब्रह्मांडीय शक्तियों को तुम्हारी तरफ प्रवाहित कर देता है, क्योंकि वो करुणा का स्रोत है। परमात्मा का करुणा का स्वर बन करके सतगुरु उतरता है, उसी को हमने सतगुरु कहा है। वो जो परमात्मा की करुणा शक्ति जो सब जगह फैली हुई है, उसी को एकाग्र और एकत्रित करके उस इंसान की ओर वो अग्रसर करता है जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धा से भरा हुआ है। और घटना घट जाती है, एक पल भी नहीं लगता। लेकिन इसके साथ साथ एक और हदायत है। हदायत क्या है कि बचना, बचना उन ताकतों से जो विरोध कर रही हैं। मैंने तुम्हें कहा ना, दो ताकतें हैं, तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारे बाहर भी। जैसे सतगुरु ने तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी दी है, पॉजिटिविटी, विधायक और सार्थक शक्तियां तुम्हारे भीतर डाली है, जिसको शक्तिपात कहते हैं, वो शक्तियां उसने डाली हैं, या ये कहो कि उसने सहारा दिया है उन सब शक्तियों को तुम्हारे भीतर प्रवेश करने के लिए। वो शक्तियां तो परमात्मा की हैं, वो तो सदा से हैं, वो तो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, वो तो कॉस्मिक फोर्सेस हैं, वो तो आएंगी आएंगी, वो तो तुम उनको खींच लो, अट्रैक्ट कर लो, तो वो अपने आप चली आएंगी। और सतगुरु सहायक हो जाता है, तुमने जिसकी आराधना की है, जिसके प्रति श्रद्धावान हुए हो, वो उन सारी शक्तियों को तुम्हारी ओर अग्रसर करता है। लेकिन अगर तुम बखान करने लगो, अगर तुम बड़बड़े बन जाओ और बोलने लगो और इधर और उधर लोगों के भीतर, एक तो उससे अहंकार जागेगा कि तुम्हें ये हो गया, जो कुछ भी घटना घटे उसकी कृपा से, उसकी करुणा से, उसकी दया से उसको संभालना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम उसका बखान करते रहोगे, अगर तुम बोलते रहोगे, तो होता हो सकता है, इस संसार में ईर्ष्या भी है, इस संसार में द्वेष भी है, इस संसार में भय भी है, इस संसार में संशय भी है, अश्रद्धा भी है। वो जो ताकते हैं, वो नेगेटिविटी, वो तुम्हारे उस प्रवाह को रोक देंगी, या उसको काट देंगी, या उसमें विघ्न डाल देंगी। वो जो प्रवाह आ रहा है शक्तियों का, वो जो प्रवाह आ रहा है हीलिंग का, वो जो प्रवाह तुम्हारी तरफ आ रहा है तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें रोग से मुक्त करने के लिए, तुम्हारे भीतर संपन्नता लाने के लिए, वो प्रवाह रुक जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है, उसमें अवरोध पड़ जाता है। इसी संसार की दूसरी शक्तियों के कारण अगर तुम बखान करने लगो, तुम घमंडी बन जाओ, तुम अहंकारी हो जाओ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो इसलिए साथ में हदायत दी जाती है कि इसका बखान नहीं करना, ताकि अहंकार न पैदा हो, और दूसरी बात ताकि जो आसपास की नेगेटिविटी है, जो आसपास की नकारात्मक वृत्तियों की शक्तियां हैं, वो उस प्रभाव को कम न कर दे, वो जो आ रहा है फ्लो उसको धीमा न कर दे, उसको छोटा न कर दे। और इसके साथ साथ अगर सुख चाहते हो जीवन में, तो उसकी मौज में रहा करो, उसी की मौज में रहा करो। उसी की मौज में रहने वाला ही श्रद्धावान होता है, जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मैंने कहा ना कि कोई औरत जा रही है, तुम क्या करने लगते हो, इसकी साड़ी ठीक नहीं, इसलिए ऐसी साड़ी क्यों पहन ली, ये तो मैच नहीं करती,
किसी के बाल हैं, इसके बाल खराब हैं। तुम निंदा करते हो, तुम कटाक्ष करते हो, औरतों को कभी सुना? उसकी साड़ी ठीक नहीं है, उसके बाल ठीक नहीं है, ये क्या बनी हुई है, ये भूतनी बनी हुई है, ये क्या बना लिया, इस तरह की जो औरतें बातें करते हैं इसको निंदा कहते हैं, इसको गंदा बोलना कहते हैं, गंदा विचार कहते हैं। इससे गंदगी अपने भीतर ही आती है। और उसके साथ साथ ये जो अपनी ऊर्जा का व्यय करते हो, अपनी शक्ति को जाया कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो, क्यों विचार कर रहे हो, क्यों अपने संस्कारों को इकट्ठा कर करके अपने मन में बोझ डाल रहे हो? क्या जरूरत है? जो है ठीक है, जैसा ड्रेस है वैसा ठीक है, जैसे बाल है वैसे ठीक है, जैसा पहरावा है वैसा ठीक है, बहुत अच्छा है, कहो बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही है। उसकी नजर से देखो, उसकी नजर से वो सुंदर है, उसकी नजर से उसने कोई खराबी नहीं की, वो ठीक है। तुम्हें नुक्स निकाल रहे हो, तुम्हें क्या हक है नुक्स निकालने का? और क्यों अपना मन खराब कर रहे हो, क्यों अपना मन मैला कर रहे हो, क्यों अपने भीतर गंदगी इकट्ठी कर रहे हो, दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा करके कटाक्ष करके? नहीं, ऐसा नहीं करना, अपने आप को गंदा नहीं करो, इससे तुम्हारी श्रद्धा नहीं टिकेगी। श्रद्धा को मजबूत बनाने का बता रहा हूं। तो उस के द्वारा जो भी हो रहा है, जैसी भी घटनाएं घट रही हैं, उसको सर्व स्वीकारिता से पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अंगीकार करो, जैसा भी है। अभी मुझे याद आ रहा है, एक किसान रोता है, रोज प्रार्थना करता है परमात्मा से कि जब मुझे पानी चाहिए खेत में, तो तब तुम पानी नहीं देते, तुम सूखा डाल देते हो और मेरी फसल सूख जाती है। और जब मैं कहता हूँ पानी दो, और पानी की जरूरत है तब मिलता नहीं है, जब मैं कहता हूँ सूखा चाहिए अब और सिर्फ किरणें चाहिए, रोशनी चाहिए, उसकी सूर्य की प्रकाश चाहिए, तो तब तुम बाढ़ ले आते हो, तुम वर्षा इतनी हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, सब बह जाता है, और कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी आंधी आ जाती है, तो मैं कैसे जीऊंगा? प्रार्थना करता है परमात्मा से, रोज प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना सुनते सुनते परमात्मा भी तंग आ जाता है। ये चीन की एक बड़ी पुरानी कहानी है जो तुमसे कह रहा हूं, चीन देश में कही जाती है। तो परमात्मा एक दिन पूछता है, वो सोचता है मैं पूछ ही लूं मुझसे को क्या तकलीफ है, तो उसको कहता है क्यों मुझे तंग कर रहा है इतना? तो वो किसान कहता है कि तू परमात्मा बन गया है, परमात्मा बना बैठा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी फसल के लिए क्या चाहिए, मुझे उल्टा ही देता रहता है हमेशा, जो नहीं चाहिए वो आ जाता है, मेरी फसल कभी बनती नहीं। किसान तो मैं हूं, मुझे पता है कब चाहिए धूप कब चाहिए पानी, तो तू मेरे पे क्यों नहीं छोड़ देता? तो वो परमात्मा कहता है देख तेरे पे छोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन तू जिद कर रहा है, तो चलो एक दिन तुम्हें मैं देता हूं, एक साल दे देता हूं। जब उसने दिन कहा तो कहता दिन तो नहीं, दिन में क्या होगा, एक पूरा साल में मेरी दो फसलें होती हैं, मुझे फसल उगाने दो। तो परमात्मा कहता एक साल तुम्हें दिया, जैसे तुम जाओ वैसे चलाओ। तो वो अपनी मर्जी से चलाता है, खुदा की मर्जी नहीं, परमात्मा की मर्जी नहीं, अपनी मर्जी। तो मर्जी उसकी है तो कभी ओले नहीं पड़ते हैं, कभी आंधियां नहीं आती हैं, तो जब वर्षा चाहिए तभी थोड़ी सी वर्षा वो ले लेता है, जो चाहता है वो हो जाता है, सूर्य चाहता है तो सूर्य होता है। तो क्या हुआ, फसल बहुत अच्छी हो गई, कि जब उसको धूप चाहिए, जब प्रकाश चाहिए तब खूब सूर्य चमकता है, प्रकाश आता है, और जब उसको पानी चाहिए तो पानी बरसता है, वक्त पर पानी आया, वक्त पर प्रकाश मिला, उसकी फसलें बहुत ऊंची हो गई। गेहूं बोया था तो गेहूं की फसलें ऊंची बड़ी बड़ी, और इतने बड़े बड़े सट्टे लगे उसके ऊपर, बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा,
और कहने लगा परमात्मा से कि देखो तू परमात्मा बना हुआ है, अब देखो मैंने फसल उगाई। ऐसे सप्टे कभी सुने नहीं थे, कभी देखे नहीं थे, इतने बड़े बड़े सप्टे, बीज बीज होगा। बड़ा खुशहाल हो गया वो। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो फसल काट ली, लेकिन उन बड़े बड़े सट्टों में एक भी दाना न था, वो खाली थे, किसी भी सट्टे में कोई दाना न पड़ा। फिर सब पीटने लगा, छाती पीटने लगा, रोने लगा और परमात्मा को पुकारने लगा, ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या हुआ, क्यों ऐसा किया। परमात्मा ने कहा जो तुमने चाहा मैंने तुम्हें दिया, अपनी मर्जी से तुमने पानी लिया, अपनी मर्जी से तुमने वो सूर्य की गर्मी ली, फिर अब क्यों रोते। ओले भी जरूरी होते हैं तुम्हें पता नहीं है बेवकूफ किसान, आंधियां भी जरूरी होती हैं तुम्हें पता नहीं है बुद्धू फार्मर किसान, को पता नहीं इस बात का। संघर्ष जरूरी है ताकि जीवन में प्राण आए, उन फसलों में प्राण नहीं है, फसलों की शक्ल है बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए, सब ऐसे लगने लगे जैसे कभी ऐसी फसल हुई न थी, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं, जीवन बीच में है नहीं। तो आंधियां भी जरूरी हैं, ओले भी जरूरी हैं और बाढ़ भी जरूरी है, ये सब उसको पता है क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। इंसान की बुद्धि वहां नहीं पहुंचती, इसीलिए कहा है उसकी मर्जी में रहो, समर्पित रहो, जो वो कर रहा है उसी के प्रति नतमस्तक रहो। जो तुझ भाए साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुझ भाए साईं भलीकार, जो वो करता है तुम्हारे भले के लिए है, ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। छिन जाए कोई, मर जाए कोई घर से, प्यारे से प्यारा चला जाए छोड़ के, तुम्हें पता नहीं है जीवन बड़ा लंबा है, 80 साल या 100 साल का नहीं है, बहुत पीछे से चला रहा है, तुम्हें पता नहीं ये क्यों हुआ है, ये होना था, ये जरूरी था। तुम्हारा व्यय हो जाता है सब कुछ, घर का धन दौलत सब चली जाती है, तुम्हें पता नहीं तुम रोते हो, रोना व्यर्थ है। रोने का अर्थ इतना ही है कि मैं नहीं तुम्हें मानता, तू गलत कर रहा है। शिकायत से भरा हुआ इंसान कभी श्रद्धावान नहीं हो सकता, और श्रद्धावान नहीं हो सकता तो वो सब घटनाएं जो मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हारे जीवन में स्वयं घटित हो सकती हैं, वो चमत्कार रोज हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते, उनके मूल में श्रद्धा है और श्रद्धा के मूल में ये ज्ञान है। इस ज्ञान के बगैर श्रद्धा पनपती नहीं है। सब सौंप दिया अर्जुन ने कृष्ण को, सब सौंप दिया। वो वक्त भी था जब कृष्ण ने कहा मेरी सारी फौजें हैं, मेरा सारा साम्राज्य है और इतनी योनियां मेरी फौजों की और इतने अस्त्र शस्त्र सब हैं, ले लो। तो दुर्योधन समझता है ये तो अर्जुन तो बुद्धू रहा, सब हमें मिल गया। तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ आ जाओ। चुन लिया, कहता एक तरफ मैं हूं एक तरफ सब है। तो दुर्योधन ने वो सब चुन लिया। अर्जुन ने कहा आप हैं अकेले हैं कोई बात नहीं, मैं आपको ही लेता हूं। फिर कृष्ण ने कहा लेकिन एक बात सुन लो, मैं कोई अस्त्र नहीं चलाऊंगा, ना सुदर्शन चक्र चलेगा ना कोई और अस्त्र चलेगा, मैं निहत्था। तो दुर्योधन जैसी मति वाला इंसान खिलखिला के हंसता है कि पांडव मूर्ख ही रहे, शुरू से ही हारते रहे हैं, अभी भी बुरी बुरी तरह से हारेंगे। और अर्जुन कहता है ठीक है प्रभु, मुझे निहत्था निहत्था ही चाहिए।
अस्त्र मत लेना, लेकिन मेरी लगाम तो पकड़ोगे ना, मेरी लगाम पकड़ लेना, मेरे जीवन की लगाम तुम्हारे हाथ में है, मैंने दे रखी, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण कहता ठीक है, बस इसी एक चुनाव में महाभारत की जंग जीती गई, इसी एक चुनाव में पांडव जीत गए, कौरव हार गए, बाकी तो विस्तार है, बाद का विस्तार है, यही एक। तुम लगाम उसके हाथ में क्यों देने से हिचकिचाते हो, दे दो, उसके हाथ में ही है, अगर गौर से देखोगे तो पाओगे उसने लगाम कभी छोड़ी ही नहीं, उसी ने पकड़ रखी है, इसीलिए घोड़े दौड़ रहे हैं, इसीलिए तुम दौड़ रहे हो। लगाम छोड़ देगा वो तो सब टूट जाएगा, तो सब बिखर जाएगा, तो सब समाप्त हो जाएगा। उसी के हाथ में, हे लाड, हमारी लगाम न छोड़ना। और वो सतगुरु स्वरूप तुम जब भी उतरता है इस धरती पर, तुमसे मुखातिब है और तुम्हें कहता है, मामाश्रित्य यतन्ति ये, मामाश्रित्य यतन्ति ये, जो लोग मेरे आश्रित होकर के कर्मरत हैं इस जगत में, उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं आ सकती, कभी दुख नहीं आ सकता, यहां तक का वादा कर दिया उस सतगुरु ने, इस धरती पर उतर करके तुमसे वायदा किया। वो पीछे कैसे हट सकता है, वो इसका पालन करता है। मामाश्रित, मेरे आश्रित हो करके, मेरे समर्पित हो करके, मेरे में स्थित हो करके तुम इस संसार में उतरो, और जो भी कर्म करोगे वो सफल होगा, वो समृद्ध होगा, उसमें सब संपन्नता आएगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। तुम्हारे दाता दयाल, परम दयाल, उनकी बानियां पढ़ लेना। दाता दयाल की एक बानी में इसी चीज का निचोड़ है, अपने शब्दों में, हिंदी में, हिंदी में लिखा करते थे वो, तो हिंदी में उन्होंने इसी को निचोड़ा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। हर अवस्था में, हर हालत में, हर स्थान पर, हर समय, हर पल, हर घड़ी मुझे याद कर, ऐ इंसान, सतगुरु तुमसे कहता है। वो परमात्मा कहता है तुमसे, जो सतगुरु के स्वरूप में उतर उतर के तुमसे मुखातिब है बार बार, वो कहता है कि सर्वदा सर्वभावेन, हर समय केवल मुझे याद रख और कर्म कर, कर्म कर, करता रहे। कर्म तो करना ही है, तुमने भोजन भी खाना है, तुमने कपड़े भी पहनने हैं, तुमने दुकान पे भी जाना है, तुमने दफ्तर भी जाना है, तुमने काम भी करने हैं, तो करते रहो। लेकिन लेकिन मेरी तरफ पीठ करके करो के करो, क्यों दुत्कारते हो, क्यों उसको दुत्कारते हो जो तुम्हारे जीवन के मूल में पड़ा हुआ है, जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, जो तुम्हें परम जीवन देने के लिए तत्पर है। उसको साथ लेके तब चलो, तब चलो इस रास्ते पर, तुम्हारी मंजिलें सहल हो जाएंगी, तुम्हारे रास्तों पर पुष्प बिखर जाएंगे, राहों पर पुष्प बिखर जाएंगे, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा।
सुखों से भर जाएगा। सुखों से भर जाएगा तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अपना जीवन सुखों से ओतप्रोत हो जाएगा। ऐसा ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये उस मालिक का आशीर्वाद है जो वो तुम तक पहुंचाता है बार बार। सतगुरु को साधन बना लेता है, सतगुरु को माध्यम बना लेता है तो वो तुम्हारी भाषा में बोल सके, कि वो तुम्हारे ही शब्दों में तुमसे मुखातिब हो सके। नहीं तुम समझ नहीं पाओगे उस परमात्मा की भाषा को, उसके इशारों को, उसके फरमान को, उसकी हुक्म को तुम समझ नहीं पाते हो। इसलिए कोई उतरता है गुरु नानक देव जी महाराज जैसा, कोई उतरता है तुम्हारा अपना सतगुरु बन करके कोई उतरता है, और वो तुमसे कहता है, जो भी वो कहता है वो उसी की आवाज है परमात्मा की, वो उस मालिक के कुल की आवाज है। इसीलिए पैगंबर कहा ना सतगुरु को, कि उसी का पैगाम तुम तक पहुंचाता है। सतगुरु की अपनी कोई भाषा नहीं है, सतगुरु वो है जिसके अपने कोई शब्द नहीं है, सतगुरु वो है जिसका अपना कोई ज्ञान नहीं है, वो महा अज्ञानी है, वो केवल उसको तुम तक पहुंचाने का प्रयास करता। वो जैसा है, तुमने शीशा कभी देखा जिसमें रोज अपना मुंह देखते हो, बस सतगुरु वो शीशा ही है, वो शीशा जिसके ऊपर सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और फिर वहां से प्रतिबिंबित होकर के, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के दूर तक जाती हैं, तुम तक पहुंचाती हैं, जहां चाहो वहां वो चली जाती है। सतगुरु इतना ही करता है कि सूर्य तक तो पहुंच नहीं पा रहे, उसको तो उतार नहीं पा रहे अपने भीतर, तो कोई बात नहीं, उसका सारा प्रकाश, उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे ज्ञान इस शीशे के माध्यम से, इस सतगुरु के माध्यम से तुम तक पहुंच जाए। बस यही सतगुरु का काम है, इसी के लिए वो बार 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 आता है, उतरता है, तुम्हारे बीच में आता है, खपता है, और तुम्हें भी कई बार खपाता है, लेकिन उसका मकसद हल हो जाए, तुम समझ जाओ बात को और पकड़ लो वो पल्लू, जिस पल्लू के पकड़ते ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए। ये वाक्या मुझे बार बार याद आता है, वो जो वो कहता है कि बस वो चादर एक ओढ़ रखी है सतगुरु ने, तो मैं छू लूंगा तो सब छू मंत्र हो जाएंगे मेरे दुख, मेरे क्लेश, मेरे विषाद। इतनी गहन उसकी पीड़ा, और इतना उससे भी गहन उसकी श्रद्धा, और वो चमत्कार हो जाता है। ये चमत्कार तुम्हारे सभी के जीवन में हो, हर पल घटित हो, और तुम निर्मलतम अवस्था को प्राप्त हो, और सब दुखों से निकल करके बाहर परम सुख परम आनंद को सदा सदा के लिए भोगो, सदा सदा के लिए भोगो। यही तो एक तमन्ना लेकर के जीता है, श्वास भरता है, श्वास लेता है सतगुरु, यही एक ही तो है, एक ही तो उसकी तमन्ना है, जो तमन्ना होते ना होते हुए भी है, वो सबको खुशहाल देखना चाहता है, वो तुम्हें रोशन देखना चाहता है, वो चाहता है कि कोई ऐसा इंसान इस धरती पर न बचे
जो उस धन्यता और दिव्यता को अपने भीतर न भर सके, उस सुख तुम्हारे भीतर आ जाए, वो तुम उसके मालिक बन जाओ, तुम उसी से ओतप्रोत हो जाओ, तो सतगुरु के आने का जीवन धन्य हुआ, तो सतगुरु के आने का सार्थक हुआ। सबको मेरे आशीर्वाद, सबको मंगल, सबका कल्याण हो, सबको राधा स्वामी।